हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दिवाली मेकअप ट्यूटोरियल। ये स्टेप बाय स्टेप इजी सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल है जो कि काफ़ी क्लीन है, तो ये बहुत लोगों को पसंद आएगी। तो अगर आप इस मेकअप लुक को देखना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। सारे प्रोडक्ट्स अंडर जस्ट 500 रुपीज़ है एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम अमेजन। अमेजन पे आपको सेल एंड डिस्काउंटेड प्राइस में ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किया है। ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी अवेलेबल एट अमेजन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। सो लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। सो गाइज, ये ना एकदम सिंपल इजी एक मेकअप लुक है जो कि ऑन द गो आप इसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। दिवाली के लिए लेट हो रहा है तो घर पे कितने सारे काम होते हैं दिवाली के लिए, तो उस दौरान आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा भी दिखता है। एट द सेम टाइम इट टेक्स जस्ट 10 मिनट्स टू कंप्लीट दिस एंटायर लुक। मैंने हेयर स्टाइल में एक स्लीक बन बनाया है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड आप सभी बताएगा कि आपको मेरा आज का ये लुक कैसा लगा। सो चलिए अभी देख लेते हैं इस मेकअप लुक को मैंने किस तरह से क्रिएट किया है। सबसे पहले अपने क्लीन फेस पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक्वालॉजिका का ये सनस्क्रीन। ये काफ़ी अच्छा है, नो वाइट कास्ट एंड वेरी हाइड्रेटिंग। नेक्स्ट मैं लोटस का ये ग्लो स्ट्रोब क्रीम इस्तेमाल करूँगी। इससे ना काफ़ी अच्छा हाइलाइटिंग इफेक्ट भी मिलता है एंड फेस काफ़ी ड्यूई एंड ग्लोइंग लगता है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 128 वार्म न्यूड। ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्कर है तो मैं सिर्फ अपने पिगमेंटेड एरियाज़ पर इसे इस्तेमाल करूँगी और फिंगर टिप से थोड़ा थोड़ा प्रेशर देकर मैं इस तरीके से उसे ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी कंसीलर। अफोर्डेबल है येट द कवरेज इज सो नाइस। इसका शेड है सैंड सेबल। सिर्फ पिगमेंटेड एरियाज़ पर अप्लाई करके फिंगर टिप्स से हल्के हाथों से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। आई ऑलवेज ब्लेंड यूजिंग माई फिंगर टिप्स, क्योंकि जो वार्मथ आपके फिंगर टिप्स प्रोवाइड कर सकता है वो किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर से आपको नहीं मिल सकती। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस बनाना पाउडर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स। इसे मैं अपने अंडर आईज को बेकिंग के लिए डाल दूँगी और जो रेस्ट बचा हुआ है स्पंज में उससे मैं अपनी पिगमेंटेड एरियाज़ पर थोड़ा सा कंसीलर को सेट कर लूँगी। ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर इज़ वन ऑफ द बेस्ट आईब्रो डिफाइनर्स आई हैव एवर यूज्ड। इससे मैं अपने आईब्रोज़ को शेप दूंगी। मैं कोई ओवरलाइन नहीं करूँगी, मैं बस आईब्रोज़ के शेप को ही ड्रॉ करूँगी एंड देन जो पीछे का वाला स्पूली पोर्शन है उसे मैं ब्रश आउट कर लूँगी। मार्स का ये जो ब्रॉन्जर पैलेट है इसमें आपको 3 शेड्स मिलते हैं। एक है ब्रॉन्जिंग शेड जिससे मैं आई शैडो का जो ट्रांजिशन शेड है उसे एज अ ट्रांजिशन शेड में अप्लाई करूँगी एंड उसे मैंने इस तरह से ब्लेंड कर लिया एंड यू ऑल कैन सी हाउ मच ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग। और ये ना एकदम नेचुरल इफेक्ट देता है। मेबेलिन कोलोसल काजल का जो ब्लैक कलर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एंड हाई पिगमेंट का है। उसे मैंने अपने सिर्फ वाटर लाइन को लाइन किया एंड देन ब्लू हेवन का मस्कारा मैंने अप्लाई किया। 100 रुपीज़ में ये बेस्ट मस्कारा है। सेम पैलेट को मैं एज अ ब्रॉन्जर शेड इस्तेमाल करूँगी। वही मार्स का जो ब्रॉन्जर पैलेट है ये एक वर्सेटाइल पैलेट है जो कि ट्रैवलिंग के लिए भी काफ़ी आसानी रहती है, क्योंकि इसी पैलेट से मैंने आज का ये पूरा मेकअप किया। फेस मेकअप भी और अपने आई मेकअप भी मैंने किया है। जस्ट काजल अप्लाई किया है, दैट्स इट। और मैं जब ब्लश अप्लाई करती हूँ तो उससे मैं अपने पाम पर अच्छी तरीके से ब्लेंड करके अप्लाई करती हूँ ताकि आपके फेस पर ना ये इजीली ब्लेंड हो जाए, कोई पैचेस ना रहे। एंड एक्सेस पाउडर को मैं एक पाउडर ब्रश की मदद से इस तरह से रिमूव कर लूँगी। लास्ट स्टेप इज़ द लिपस्टिक। और प्लम का ये जो सिनेमन पॉप वाला शेड है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इट्स अ फेस्टिव काइंड ऑफ शेड। बिंदी अप्लाई की, ज्वेलरी पहना एंड आई एम रेडी। ईजी पीजी सा सिंपल 10 मिनट वाला मेकअप लुक है जो कि दिवाली के लिए या किसी भी फेस्टिव ओकेजन के लिए, सामने ही वेडिंग सीजन इज हियर सो उसके लिए भी एकदम परफेक्ट है। सो ज़रूर आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली फॉर एनी इंडियन या फिर एथनिक आउटफिट्स पर ये काफ़ी अच्छा जाता है। आप एक्सेसराइज कर सकते हैं अपने लुक को। सो नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए लुक कैसा लगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये लुक आप सबको अच्छा लगा। इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हाँ, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अगर इस दिवाली आपने इस लुक को क्रिएट किया तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर मुझे बताएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय।